दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का जो मैच था वो काफी ही ज्यादा थ्रिलिंग मैच था। आज के दो ओवर में आकर ये मैच काफी तगड़े तरीके से फंस चुका हुआ था। दोस्तों इस मैच में ऐसी ऐसी चीजें हुई, अगर आपको वो पता चल जाएगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के लास्ट ओवर में ऐसा कुछ होता है जो क्रिकेट फैंस अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। जो मैच था इसे आईपीएल का दूसरा थ्रिलिंग मैच था, दूसरा नहीं बल्कि हम इसे तीसरा मैच बोलेंगे। पहला मैच तो लॉर्ड रिंकू वाला था, वही दूसरा मैच आरसीबी का था, और आज ये तीसरा मैच काफी ज्यादा थ्रिलिंग देखा गया। दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं लास्ट ओवर का पूरा थ्रिलिंग तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बिना किसी देरी के विस्तार से बताते हैं। दोस्तों लास्ट के दो ओवर में मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए दो ओवरों में 20 रन चाहिए था, और क्रीज पर जो मौजूद थे वो थे कैमरॉन ग्रीन और वही दूसरे खिलाड़ी थे टिम डेविड। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी थे लेकिन रन बनाने में उनके पसीने छूट रहे थे। पारी का 19वां ओवर कराने आए मुस्तफिजुर पहली गेंद तो डॉट फेंक देते हैं, उसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल होता है और फिर अगली गेंद कैमरॉन ग्रीन छक्का मार देते हैं। ओवर के लास्ट गेंद पर एक और छक्का पड़ता है जो कि टिम डेविड मारते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम को जीतने के लिए 6 बॉलों में 5 रन चाहिए थे। फिर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये ओवर करने आए एनरिक नॉर्किया। एनरिक नॉर्किया ने अपनी पहली गेंद तो सिंगल जाने दिया लेकिन फिर एनरिक नॉर्किया ने दूसरी गेंद को वीट करवा दिया। मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। क्रीज पर सामने थे टिम डेविड, डेविड इसके बाद सिंगल कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 3 गेंद में 3 रन चाहिए था, उसके बाद अगली ही गेंद बीट करवा देते हैं। मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 2 बॉलों पर 3 रन चाहिए, अगली गेंद पर कैमरॉन ग्रीन सिंगल लेते हैं, इसके बाद लास्ट गेंद पर मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 2 रन चाहिए। तभी टिम डेविड एनरिक नॉर्किया की गेंद को स्ट्रेट पर मारते हैं और वो रन लेने दौड़ पड़ते हैं। पहला रन तो काफी इजीली हो जाता है लेकिन दूसरे रन में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों फाइनली जाकर वो दूसरा रन भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इस वजह से मुंबई इंडियंस की टीम ये थ्रिलिंग मैच जीत जाती है। दोस्तों ये जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच था ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग मैच था और इसमें सभी क्रिकेट फैंस को काफी ज्यादा मजा भी आया।